अच्छा, अब देखें आप, इनकी नाक पे अशद जरूरत है कॉन्टोर की, क्योंकि इनकी नाक यहाँ से फैली हुई है। अच्छा, देखें आप, ठीक है, और जिसकी वजह से ये बैठी हुई नाक लग रही है। अब अगर इसको मुझे हल्का सा भी उठा हुआ दिखाना है तो आई नीड टू स्कल्प्ट इट फ्रॉम हियर, ओके, नोस्ट्रल्स से, क्योंकि नोस्ट्रल्स फैले हुए। आपको देखें, अपने फीचर्स को सबसे पहले तो पढ़ना है, ठीक है, कि उसका फ्लॉ किधर है। और फ्लॉ एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, प्लीज अपनी इमेजिनेशन से निकलें कि हमारी हर चीज़ परफेक्ट है, किसी की कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्यूटी का क्या क्राइटेरिया है आपके लिए और आपके जहन में, और आपको कौन सी चीज़ को सही करना है। ठीक है, ठीक है, अब ये जितनी डार्क हो रही है ना, ये आप ऊपर से नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए आप इसको जो है वो अंडरनीथ डालते हैं। बहुत बड़ा ब्रश है, एक मिनट, ये लो। अभी मैंने ना प्रॉपर ड्रॉ करना है कि मुझे कहाँ से ये काटनी है। इट्स लाइक यू नो यू आर मेकिंग समथिंग, शेप दे रहे हैं आप प्रॉपर, एंड देन यहाँ से इसको मैंने, क्योंकि थोड़ी सी खड़ी दिखानी है तो यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है। नोस्ट्रल्स छोटे दिखाने हैं तो ये वाला पोर्शन। आई नो स्कल्पटिंग करते हुए इंसान बहुत फनी लग रहा होता है, बट जब हो जाता है तो बहुत अच्छा भी लग रहा होता है, पता ही नहीं लगता, फिर बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। लाइक अ लॉट ऑफ माय फोटोशूट्स जो स्कल्प हुए हुए हैं, उसमें जो मेरे करीब के लोग हैं, अभी हंस रही है देखकर अपने आपको कि मैं मंकी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ, जो मेरे करीब के लोग हैं वो जानते हैं मेरी नाक कैसी है या मेरी डबल चिन के इश्यूज हैं, तो वो कहते हैं कहाँ चली गई, फोटोशॉप की, मैं फोटोशॉप नहीं की है, स्कल्प किया है। अच्छा, अब स्पंज लिया है और हल्का हल्का, जरा कोई ऐसा कैमरा एंगल है कि साइड वाइड दिखा सके ताकि हम, आप स्किन पे बिठाएं इसको, ठीक है, हल्का सा ब्लेंड कर दें। हाँ, ये वाला एंगल मुझे चाहिए था। रब करके तुमने सारी फैला ली है ना, लेकिन विद इन द स्कल्पटिंग का एरिया, नॉट कि मुझे जहाँ नहीं चाहिए वहाँ मैंने नहीं किया है, ठीक है, हल्का सा ब्लेंड आउट किया है, जस्ट के वो जो कलर है वो पिगमेंट्स जो है वो थोड़ा से अंदर डिपॉजिट हो जाए, क्योंकि इस वक्त स्किन रॉ है, कोई और मटेरियल लगा हुआ नहीं है, सही, तो ये अंदर तक सिट डाउन कर जाएगी डार्कनेस, यू गेटिंग इट। अच्छा, फिर अब इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, जब तक हम इनके, अच्छा, नाउ शी इज गॉट अ चबी फेस एंड इट्स अ हार्ट शेप, ठीक है, तो आप ये करें, ये इनकी कॉन्टोर लाइन होनी चाहिए, ऐसे ही रखना बेटा, ठीक है, ये। अब बहुत सारे लोग ना यहाँ से कॉन्टोर करते हैं, अच्छा, वो और चेहरे को मोटा दिखाता है। बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी ये चीक बोन है, लिफ्ट करना है ना आपने, तो आपने इस एरिया से उठाना है कॉन्टोर, इधर नहीं जाना है, ओके, ठीक है, एंगल 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 का खेल है सारा। अभी ये बिल्कुल बेसिक है कि जिसे आप शुरू कर रहे हैं आप मेकअप करना, प्राइमर लगाने के बाद करेंगे। हाँ, प्राइमर लगा लें बेशक। हाँ, ये उतना ही, इधर से जहाँ से, इधर से हमने उठाया है, उधर ही से हम यहाँ से उठा रहे हैं, और मुस्तकिल पाउट करना है क्योंकि आपको, ताकि क्योंकि आपको शेप पता चलेगा अगर आप खुद कर रहे हैं, तो अगर खुद कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट को तो पता होता है, अब हमें खुद नहीं पता होता कि हमें किधर रश मारना है। हाँ, इसीलिए मैंने ये करवा के बताया कि देखें, ये आपको खुद ही नेचुरली गाइडलाइन मिल जाएगी, और लोगों को बड़ी प्रैक्टिस है, सेल्फी सारी ऐसे ही खींचते हैं वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आराम से पाउट कर सकेंगे हम, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आराम से आपने उसी एरिया पे सेट करवाया, मतलब लाइक देखें ब्लेंडिंग हल्की सी डिपॉजिटिंग हो रही है स्किन के अंदर, पूरा निकल भी नहीं रहा और पूरा ब्लेंड भी अच्छा, नहीं कर रही है मैं। ये जो चीज तो दोबारा वापस आई है पलट के, पीटीवी के जमाने में पीटीवी के मेकअप आर्टिस्ट जितने भी करते थे ना पुराने, जितने भी हमारी, वो हमेशा उनके पास एक ब्राउन कलर की स्टिक होती थी क्रायलन की। ये एक्चुअली अगर इवन आई वेंट टू अ प्रॉपर मेकअप स्कूल, बट इवन बिफोर दैट मैंने कमालुद्दीन हुसैन साहब से ये टेक्निक सीखी थी जो पीटीवी पे काम करते थे, क्योंकि हम तो पले बड़े हैं ना, वहाँ भागते भूखते रहते थे, तो हमने तो तब से देखा है ये सीन। अच्छा, है।
अब जब तक ये सिट डाउन करेगा हम इनकी चिन पे आ जाते हैं। अच्छा नाउ चिन भी देखना जरूरी है। हाँ, हाँ। अब ये एयरलिट जो है यहाँ हाँ। से आपकी गाइडलाइन शुरू होगी बिकॉज आपके इस कॉन्टोर में और जॉ लाइन के कॉन्टोर में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ठीक है, बिकॉज अदरवाइज आपका जो फेस का शेप है वो निकल के बाहर नहीं आएगा अगर आपने इन दोनों कॉन्टोर्स को या स्कर्ट्स को मिक्स कर दिया। ठीक है ठीक है, सो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये देख रहे हैं ये इतना सा डिफरेंस है जो यहाँ से मुंह को छोटा कर देगा। जस्ट दिस, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से आया यहाँ और ये यहाँ से शुरू होना चाहिए। ये देखें बिकॉज एक्चुअल फैट आपका यहाँ से शुरू होता है। ओके सही है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से दिया ना तो वो आपने मेजर फैट तो छोड़ ही दिया। बाज़ोका लोग नहीं कहते मैं तो इतनी कॉन्टोरिंग करती हूँ मैं फिर भी पतली नहीं लग रही होती। हाँ। ये मिस्टेक्स कर रहे होते। ओके Okay. ये बहुत माइनर सी मिस्टेक्स हैं। हाँ, जो आपको पता नहीं पता भी नहीं चलती कोई बताए ना। हाँ, क्योंकि आपको लग रहा था मैंने तो लगा दिया कॉन्टोर। अभी भी तुम दो चार मर्तबा आके इसे खाओगी तब जाके अकल में घुस जाएगी। कोई बात नहीं, कर लेंगे दो चार मर्तबा शो कर लेंगे क्योंकि हाँ, या तो फिर आप यूट्यूब पे बार बार। अब आप देखिए आपको यहाँ पे आपके क्लोज है इसलिए आपको समझ आएगा। देखें यहाँ से ये वाला पोर्शन गया और ये देखें ये फैट है सारा, ये पूरा कवर अप होगा। जब तक ये कवर नहीं होगा ना चेहरा खिंचेगा नहीं। तो अपने आपको स्क्रीन पे ना देखो बार बार, देखी जा रही हो हंसी डरोगी। वही तो इस वक्त तो डर ही जाओगी और हंसी। When I sculpt my bride's face, मैं उनको कहती हूँ अभी मत देखना प्लीज। अच्छा अब तुम क्या कर रही हो? अब मैंने ये डबल चिन देख लिया। ठीक है, डबल चिन तो यू कैन रफली अप्लाई बिकॉज आपको ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, और इसको भी आपने हल्का हल्का स्किन के अंदर अच्छा जिन लोगों के लिए अगर वो इस तरह के स्कल्पिंग मटेरियल्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए बेस्ट है डार्क फाउंडेशंस। जो वो मटेरियल अपना फेयर फाउंडेशन खरीद रहे हैं और इकोनॉमिकल पड़ रहा है उसी में सबसे डार्केस्ट टोन ले लें। ठीक है, स्कल्प करने के लिए ठीक है। अगर वो स्टिक्स यूज कर रहे हैं तो वो स्टिक में ले लें, लिक्विड यूज कर रहे हैं तो लिक्विड में ले लें। इट्स ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ मटेरियल, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट कि आपको शेड एक्चुअली पता होना चाहिए कि डार्क है। ठीक है।